हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है 8 नवंबर की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, उसके पीछे के रीजन देखेंगे, एफआईआईडीआई ने कितना कैश में बाइंग सेलिंग किया हुआ है वो समझना होगा, हमें उनके इंडेक्स की पोजिशन को डिस्कस करना होगा, सेक्टोरल आउटकम समझेंगे, टॉपर्स और लूजर को देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे, फाइनली डाउ फ्यूचर ऑयल और गिफ्ट निफ्टी के साथ टेक्निकल एनालिसिस को भी समझ लेंगे और पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी, इसको निफ्टी नहीं बोलना चाहिए, रोलर कोस्टर राइड बोल देना चाहिए। खुला हुआ था 450 पे, क्लोज किया हुआ है 443 पे, मतलब 7 पॉइंट का डिफरेंस आया है। इस पूरे 7 पॉइंट के डिफरेंस में देखो, जूम बराबर जूम वाला काम हो रहा था, रोलर कोस्टर राइड था, एक बेच रहा है दूसरा सेल कर रहा है, मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी पोजिशन बन रही होगी आने वाले टाइम के लिए। बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल था, सेल ऑफ तो होना था बैंक निफ्टी को, लेकिन ये जो बीच में बड़े बड़े स्पाइक आ रहे थे ना, उसमें प्रीमियम है वो बहुत चेंज हो रहे थे। यहाँ पे सबको इस सेल में बैठा होगा, लेकिन ये पूरे एक स्पाइक में सबको निकाल दिया, फिर गया तो अल्टीमेटली नीचे ही, लेकिन बहुत स्टॉप लॉस हंडिंग हुई थी आज। हमने रीजन पहले ही बता दिया था कि आईबीबीआई ने जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग करने का कुछ प्रपोजल दिया हुआ है उसके चलते, मतलब ये बैंकों का यूनियन है जो बताएगा कि आगे चल के लोन में रिकवरी कैसे होगी। होना चाहिए था एचडीएफसी को डाउन, लेकिन डीआईआई ने जाकर के एचडीएफसी को अप रखा, तो एफआईआई ने जाकर के आईसीआईसीआई को गिरा दिया। ये जो आपको दिख रहा है वो आईसीआईसीआई का नंबर है। डीआईआई ने 524 करोड़ जितना बाई किया हुआ है, मोस्ट ऑफ बाइंग उनकी एचडीएफसी में हुई होगी। एफआईआई ने जबकि हल्का सा बेचा हुआ है, ये पता नहीं, मुझे लगता है कि वेट कर रहे हैं, 3 4 दिनों से इनके नंबर कुछ ज्यादा आ नहीं रहे हैं, एक बार ऐसा झटका देंगे सबको रुलाएंगे। देखो इंडियन रुपी अभी ऊपर के ऊपर भाग रहा है, मतलब क्या है, एफआईआई की तैयारी हो चुकी होगी। अगर ये हल्का सा भी ऊपर गया, मतलब मान लो कि ना 83.5 से ऊपर जाना जैसे स्टार्ट हुआ, हमारे मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। यस, ये कल का डेटा है। यहाँ पे देखो, ये जो दोनों ही राइट करके बैठे हुए थे ना, कॉल राइट किया पुट राइट किया, दोनों साइड आज उन्होंने स्टॉप लॉस हंडिंग करवाई होगी। प्रो के पास भी दोनों पोजीशन हमारे पास पड़ी हुई थी, लेकिन प्रो ने अपने स्टॉप लॉस बचा लिए होंगे, वो बहुत पैसे वाले हैं, वो अंधाधुंध स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। एनीवे, यहां पे देखो इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन के डेटा है, उससे टोटली हमारा मार्केट आज मैच कर रहा है। बैंक निफ्टी में हमारे पास इंडेक्स में सेलिंग थी, तो वहां पे हल्का सा नीचे ले जाया गया, लेकिन सामने वहां पे ऑप्शंस के अंदर बाइंग भी थी, तो उतना भी नीचे नहीं लेके गए कि ये जो पोजीशन है वो उसका लॉस में कन्वर्ट हो जाए। सेम वे में हमारे पास निफ्टी के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ा ऑप्शन के अंदर डेटा था, और ये राइटिंग हुई है, तो राइटिंग में तो क्या दिक्कत होगी वहां पे, जब तक उनके लेवल से ऊपर नहीं जाता, और लेवल कैसा होगा, 20,000 21,000 ऐसे ऑप्शन को वो सेल करके रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, सेक्टर वाइज देखें तो 29 सेक्टर स्टॉक अप थे, जबकि 21 स्टॉक डाउन थे। फाइनेंस और आईटी अकेले डाउन थे, जबकि हेल्थ ऑटो ऑयल सब जगह पे बाइंग थी। टॉपर्स में बीपीसीएल अदानी के और सिप्ला के कुछ स्टॉक है हमारे पास 2.5% भागे हुए हैं, जबकि जबकि आईसीआईसीआई बैंक के वो 1.25% जितना गिरा हुआ है, जबकि इन्फी एनटीएफसी इन सब में सेलिंग थी। एशियन मार्केट मिक्स थे, उतना भी हमारे पास अच्छा डेटा नहीं है यहाँ से। हांगकॉन्ग और चाइना नेगेटिव थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अकेले में बाइंग थी। यूरोप हमारे पास टोटली अलग शो कर रहा है, वो अच्छा खासा ग्रीन में है, पहले तो और गेंस दिखा रहा था, अभी थोड़ा सा पुल ऑफ हो रहा है। अमेरिकन मार्केट तो कल का ही डेटा है, तो डिस्कस करने का सेंस नहीं बनता। डाउ फ्यूचर को देखो, हमारा मार्केट जब खत्म हो रहा था तब नीचे बैठा हुआ था, अभी पता नहीं जैसे रॉकेट की तरह आसमान में उड़ने की ट्राई कर रहा है, मतलब डाउ फ्यूचर को तो अच्छे से वो मैनिपुलेट करते हैं। हमारे मार्केट में सेलिंग लानी हो कहीं पे भी तो वो नीचे ही रखेंगे, जैसे ही हमारा मार्केट खत्म होता है दे धनाधन ऊपर। ऑयल अच्छी बात है, देखो गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है, अब 76 पे हो चुका है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो 81 पे। जैसे ये 80 से नीचे जाएगा ना, हमारे मार्केट अच्छा खासा रिएक्शन दिखाएंगे, वो चेयर अप करेंगे। देखो अंबानी से रिलेटेड न्यूज तो नेगेटिव थी, लेकिन आज वहां पे बाइंग आ गई है, तो मतलब जानबूझ करके नेगेटिव न्यूज के साथ भी उनको बाइंग किया गया। अगर आज रिलायंस और एचडीएफसी दोनों टूटते हैं ना, तो हमारे मार्केट में 1% जितनी सेलिंग भी आ सकती थी, लेकिन टोटली मेंटेन किया हुआ है। यस, गिफ्ट निफ्टी फिलहाल के लिए फिर से फ्लैट दिखा रहा है।
ये कुछ इवेंट थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। हाँ टेक्निकली देखो, देखने जाओ ना तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया हुआ है। अब 3 दिन पहले जो ग्रीन कैंडल बनी हुई थी उसको देखो, वो बना हुआ था 400 के पास, अब ये 437 पे आया हुआ है। मतलब 30 पॉइंट में उन्होंने 3 दिन निकाल दिए। ऑप्शन बायर का कुछ खास बना नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन सेलर ने अच्छे खासे से कमाया होगा, और वो भी बड़े ऑप्शन सेलर जो बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वो। सेम केस है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो और भी खराब है। 3 दिन पहले कैंडल कहाँ पे थी? 630 पे, 43,630 पे, अभी 54 पे। मतलब 20 पॉइंट में उन्होंने 3 दिन निकाल दिए। ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे कोई मूव नहीं आया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, कल या परसों बड़े मूव आ सकते हैं। कल और परसों में फिर भी हेज करना, अगर बाइंग भी करनी है तो कॉल और पुट दोनों ही बाय करके रख देना। हो सकता है एक डायरेक्शन में कहीं पे भी मूव आए, डिपेंड करेगा वर्ल्ड मार्केट कैसा कर रहे हैं। निफ्टी में भी देखो, अभी भर भर के कॉल राइटिंग कॉल राइटिंग कॉल राइटिंग हो रही है। ये हो सकता है एक बार बड़ा गैप अप खोल करके इन सबको खा जाएंगे। सेम वे में उसका चेंज इन ओआईपी देखो, हमारे पास दूर के पुट है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जबकि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों ही हो रही है। कल ही एक्सपायरी है तो ये लाजमी है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ओके जस्ट अ मिनट, हाँ एक बात रह गई है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट थोड़ा वेट करो। ओके और कुछ नहीं, मेरा पोजिशन है वही दिखाना चाहता था। आज इनिशियल टाइम पे मैं मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हो चुका था, फिर मैंने कॉल और पुट दोनों बेच करके रख दिए। फिर कौन परेशान होगा क्योंकि मार्केट इतना जिगजैग मूवमेंट कर रहा था, लेकिन मेरे जो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर है वो थोड़े से ज्यादा थे, वो मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा कम हो जाए। फाइन, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल के वीडियो में, सॉरी।